हर फ्री देती है। ये दफ्तर खुला हुआ है। अच्छा एक चीज और बताओ, आप यूँ कह रहे कि भाई अगर आपको कोई छूट दे दे, यानी जो नशा मिले ही नहीं आपको, तो ये हम कहाँ से करें? ये सप्लायर है, ये जो नशा तस्कर है, अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से करें? अच्छा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पंजाब का जो भविष्य है वो खत्म हो चुका है। पंजाब की जो पंजाब का जो भविष्य था ना, वो अब हरियाणा में ऐसा ऐसा चलता चलता आ रहा है। मतलब पंजाब की जगह अब हरियाणा भी बर्बादी की कगार पे आप कह सकते हैं। 70% लड़के लगाते हैं। अब मैं कोई ऐसी शक्ल देख के बता दूं कि वो भी टीका लगाता है। नौजवान बाल इतने देर से लगाते हैं यहाँ। तू दिखाइयो अपनी नस एक बार भाई। ये भी लगाता है, ये देखो तो पता है कि भी कौन नशा करता है। मतलब ऐसे ही उसकी वजह से आपने पहचान लिया। आप भी लगाते हो क्या? जैसे आप, मैंने भी लगाया है। ये देखिए, जैसे आपने पहचान की वैसे पहचान आपने तो इन्होंने बताया। ये भी लगाते हैं, इसको आगे ले दिखाइए। तू दिखाइए पर मैं क्या है, मैं क्या आप आपने क्या वजह है? अभी देता हूं इंटरव्यू का। अच्छा कल मैं मैच का इंटरव्यू दूंगा अंकल जी। क्यों कर रहे थे भाई? एक मिनट कल की छाया बोलो मत यार, पानी का नहीं मेहनत है। हाथ दूर करो। हाँ ठीक है सर, अच्छा तो देखिए। और अब लेकिन कहीं ना कहीं मेरा आप लोगों से भी अपील रहेगी कि अपने बच्चों की तरफ आप ध्यान रखें। कहीं मैं तो ये कहता हूँ, नए नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है। मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी है ना, जो नपुंसक हो जाएगी यदि इसी प्रकार से नशे करते रहे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जैन बात की है। भले ही नशे में हो, इंजेक्शन लगाते हो, अपने आप को ना सुधार पाए हो, लेकिन देश का भविष्य सुधारने की जरूर बात करें कि भाई आने वाला जो नस्ल है वो हमारी खराब ना हो जाए। हमारे को तो गंदी आदत पड़ी गई है। अब आप छोड़ने की भी कोशिश करते होंगे, नहीं छूट पा रही होंगे? नहीं छूट पा रही, मेरे दौरे पड़ जाते हैं, मिर्ची के दौरे पड़ जाते हैं। हाँ। अगर मतलब आप नहीं पीते होगे तो शरीर काम नहीं करता होगा। काम बिल्कुल, काम तो काम, क्या खाने, खाना खाना तभी भूख नहीं लगती, कुछ भी नहीं, जी नहीं करता कुछ खाने, शरीर ही नहीं काम करता होगा जब जब तक आपके अंदर डोज नहीं जाती होगी, जब तक खाने का कुछ नहीं करता। तो आपको ये जो आप ये नशा प्रोवाइड करवाते हैं, जो ये ड्रग्स बेचते हैं, ये इंजेक्शन बेचते हैं, ये मेडिकल स्टोर से खरीदते हो या कहाँ से खरीदते हो? लोकल बेचते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको बताया नहीं सर। सरेआम मिल जाता है? कितने रुपए में मिलता है ये? क्लोज आ जाओ। कोई करता है 300 में, कोई 300 में दे देता है, कोई 350 में। एक एक सीरीज देती है, शीशी मिलती है, एक एम्पुल मिलता है वाइट रंग का, एबल मिलती है। कहाँ से मिलती है एबल? अच्छा, वो कितनी बार इस्तेमाल करते हो आप उसको? एक बार, एक ही बार 300 रुपए। ये घना नशा करता है ना, इसको ज्यादा नशा, मतलब दारू से भी खतरनाक है। दारू तो इसमें 2000 रुपए मिलता है। कितने देर नशा रहता है? 24 घंटे। तो कितने दिन का, कितने पैसे का नशा कर लेते हैं आप एक दिन में? एक आधा सेट लगा लेते हैं। जैसे एक आधी बार लगा लिया। अब तमाम लोगों से मेरी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें और पुलिस प्रशासन से मेरी कांटेक्ट करो, उनको पकड़ो, कनेक्ट करो। सारे हम लोग बेच रहे हैं। जब आप लोग खरीदोगे नहीं तो कहाँ से बेचेंगे वो? जनाब हमारे को तो तकलीफ। सर एक मिनट मेरी सुनो बात, आप कह रहे हो खरीदोगे नहीं, जब मेरी नस नस में नशा बस रहा है तो मैं खरीदूंगा कैसे नहीं? अच्छा एक चीज और भी है जो बेचने वाले, एक मिनट रुको दोस्त, मुझे सरकारी हॉस्पिटल से सरिंज फ्री मिलती है। रुको पहले रुको, और यहाँ तक मुझे जो चीजें बताई गई है या जो मुझे चीजें पता है, मैं उसको एक्सपीरियंस के तौर पर बताना चाहूंगा। नहीं ठीक है सर, आपकी बात। ये नशे इनके अंदर जो नशे की लत इतनी देगा तो ये अपने हाथ तक कटवा देते हैं, क्योंकि ये देखो, ये देखो, आई लव ममता जो 3 साल हो गए छोड़ के चली गई, दो लड़की एक लड़का, जगाधरी जमुना नगर के रहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों से, मैं अपील करूंगा इनके अंदर अंदर खुदारी अभी भी इनको ये लगता है भी नशा है जो हम गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। सर अगर ये वीडियो काश मेरे बच्चे देखें और उनसे मैं ये अपील कर रहा हूँ, वो मेरे घर आए मैं नशा छोड़ दूंगा। चलिए बस, कहीं ना कहीं छोड़ने को तैयार हो आप? हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों से, फिर से मैं अपील करूंगा।